सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये रहा कि आज है ना आप एक प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, वो है whatsapp.com, ठीक है। ये वेबसाइट का होम पेज है, इसको डिज़ाइन करने के कहा रहा है। सब लोग ने कहा कि इसको डिज़ाइन कीजिए, तो मैं सबसे पहले इसका रिसोर्स उठा लूँगा। जैसे ये लोगो है, ये फोटो है, यहाँ पे भी फोटो है, यहाँ पे भी फोटो है, और यहाँ पे भी फोटो है। तो ये सबको स्टोर कर लेते हैं पहले अपने कंप्यूटर में प्रोजेक्ट फोल्डर के पास। तो मैं पहला लोगो उठा देता हूँ सबसे पहले, और चूंकि प्रोजेक्ट का नाम व्हाट्सएप ही रखा है, तो यहाँ पे आने के बाद एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम इमेजेस रख लेते हैं। सारा इमेज इसमें रखेंगे, इसका नाम लोगो रख लेते हैं, लोगो नाम से सेव कर लिया। उसके बाद हमको ये बैकग्राउंड में रखा हुआ इमेज, ये जो मम्मा और डॉटर वाला फोटो है, इसको हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको सही जगह ना मिले, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देकर सोचना पड़ेगा इसका एग्जैक्टली इमेज का डिवीजन है कहाँ पे। तो इसके लिए हम एरिया सेलेक्ट करने की कोशिश करें जहाँ पे ये इमेज मिल सकता है। तो पॉसिबल जगह जहाँ पे इमेज मिल सकता है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और मुझे ये सेक्शन करके आ रहा है जिसमें हो सकता है कि इमेज लगा। थोड़ा नीचे आओ, देखो अच्छे से बैकग्राउंड इमेज कहीं पे लगा हुआ है कि नहीं। इसके बाद ये डिवीजन इमेज ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्जैक्टली सेक्शन है, ठीक है, बैकग्राउंड डैश इमेज। इसके ऊपर वाला डिव ये है, इस पे चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड डैश इमेज। ये सारा चीज़ दिखा देता है किस बॉड किस सेक्शन पे कौन सा लगा हुआ है, वो सब दिखा देता है। यहाँ पे भी एक सेक्शन है, बट ये बैकग्राउंड इमेज के साथ नहीं है। मोटे मोटे तौर पे हमको यहाँ पर इमेज नहीं मिल रहा है। तुम लोगों ने निकाला है, बताओ तो कौन सा सेक्शन में था? हाँ, क्रोम से है। मतलब हाँ, यहाँ नेटवर्क में, यहाँ एप्लीकेशन में आएगा, और यहाँ इस जगह पे रिसोर्स होता है, मेमोरी नहीं, मेमोरी नहीं, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। हाँ, डायरेक्ट हमको ऑप्शन मिल नहीं रहा। हाँ, ये तो डायरेक्ट ही है, सॉरी नहीं, ये तो ये ऊपर वाला इमेज है, बैकग्राउंड वाला जो इमेज है वो देख रहे हैं। ये कुकीज है, ये हाँ सोर्सेस, ठीक बात है। यहाँ पे जो कंटेंट है उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये रिसोर्सेस, हाँ ये सब इमेज मिल गया। देखो ये सारा का सारा इमेज मिल गया है, यहाँ पे ये सारा इमेज है, इसमें से हम ये इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बहुत टाइम लगा बट हो गया, तो इसको सेव करेंगे, इसका नाम बैनर रख लेंगे। ठीक है, और जितने भी इमेजेस चाहिए मुझे वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, देखिए ये सारे इमेज, जितना भी इमेज मुझे चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आगे का यूज़ करने आऊँगा तो यहाँ से उठा लूँगा। ठीक है, तो मुझे मिल गया ये वाला इमेज, मुझे मिल गया ये वाला इमेज, हम बाकी काम करते हैं। देखो कैसे करना है, तो सिंपली सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बेसिक एचटीएमएल कोड कर लेंगे। बेसिक एचटीएमएल कोड करने के बाद हम व्हाट्सएप पे डालेंगे, व्हाट्सएप टाइटल डाल देंगे, whatsapp.com लिख देते हैं, और सीएसएस लिंक करने के लिए link.css, सिंपल हो गया। इसके बाद जो सेक्शन है, पहला सेक्शन है वो हेडर, ऑफ कोर्स उसके नाम हेडर रख लेते हैं, और उस हेडर के अंदर में तीन चीज़ें हैं, एक है लोगो, ये सारे लिंक्स, और इधर डाउनलोड बटन। तो लोगो एक डिव है, उसमें img टैग लगाकर images slash logo.png को बुला ही लेते हैं।
उसका क्लास लगाकर उसमें टारगेट करना चाहेंगे तो करेंगे बाद में। उसके बाद लिंक्स है और उसके बाद बटन्स है, उसका नाम BTN रख लो। बटन एक ही है, डाउनलोड का बटन लिखा हुआ उसके ऊपर, डाउनलोड। तो मैंने लिख दिया डाउनलोड, उसका आइकन भी बगल में है, उसको देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए डाउनलोड लिखा हुआ है। इसके बाद जस्ट हम लिंक्स को देखेंगे अगर यहाँ पर, तो उसमें लिंक्स है कुछ कुछ, जैसे कि पहला है फीचर्स, Yes. प्राइवेसी, हेल्प सेंटर, ब्लॉग फॉर बिजनेस, ठीक है, और क्या है, व्हाट्सएप वेब, और एक सिंपल डी कैपिट, ठीक है, हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने अपना हेडर का जो कंटेंट एरिया है वो मैंने बना लिया। अब करना है CSS का, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे CSS को बगल में रखता हूँ और यहाँ पे स्टार लगा के सबसे पहले मार्जिन जी, रिसेटर का काम हो गया। हेडर, इसके अंदर में लोगो है, उसके ऊपर काम करेंगे, अंदर नहीं बताएंगे हम, डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डॉट BTN, ठीक है। तो पहले हेडर का काम कर लेते हैं। Flex 1, बैक ग्राउंड कलर तो मुझे एकदम ट्रांसपेरेंट चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जो बैकग्राउंड में रहेगा वही दिखेगा। उसके बाद मुझे चाहिए डिस्प्ले फ्लिक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि बीच बीच में गैप रहे। लोगों के ऊपर काम क्या करना है कि इसका मैक्सिमम विथ बता देना है, कि मैक्सिमम विथ इसका 10% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। Flex-1 लगा देते हैं और बाद में देखेंगे। लिंक्स में आ जाते हैं और लिंक्स में कहते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स और थोड़ा गैप, 10 पिक्सल का गैप। उसके अंदर जितना भी लिंक्स के अंदर जितना भी ए टैग है उसको एक साथ टारगेट कर लिया। उसमें कहेंगे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी अंडरलाइन हटा दो। उसके बाद कहेंगे कि देखो तुम लोग जो है आपस में कलर वलर को बाद में देख लेंगे, ठीक है। लाइव करते हैं, जितना भी बना है वो दिखेगा, देखो, ठीक है। ये तीनों बट्टा दिख रहा है, बस पैडिंग की कमी है। पैडिंग यहाँ ऐड करेंगे, पैडिंग 10-20 पिक्सल, 15-15 पिक्सल ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से 5%, 5% परसेंटेज वैल्यू में दिया, ठीक है। और ऊपर नीचे से जो 15-15 दिए हैं वो कम पड़ रहा है, तो थोड़ा 20-20 दे देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल कोई ट्रांसपेरेंट की जगह पे कोई कलर लगा देते हैं, एरिया पता लगाने के लिए कितना बड़ा एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको, और सॉरी, इमेज का साइज मैक्सिमम 10% है, इसको बढ़ा के 15 कर देते हैं, ताकि इमेज जो है वो थोड़ा बड़ा हो सके। तो इसके लिए डॉट लोगो के अंदर जो IMG टैग है उसका भी 100%, 100% मतलब अपने पिताजी से इतना कम से कम। तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ 10-15 है, अब इसको 10 वापस ले जाएंगे और हमको 12-13 पे भी संतुष्ट होना होना पड़ सकता है। इसमें लिखेंगे यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये अलाइनमेंट बीच में आ जाए। देखो सब आपस में बीच में आ गया है, और ये लिंक्स है जिसको यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया है, उसको कलर लगा के ब्लैक कर देंगे। पूरा ब्लैक तो नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सा कलर है। काफ़ी बड़ा गैप है, आप नोटिस करेंगे कि इसमें गैप है बहुत ज़्यादा। और एक दो बातें हैं, जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज लिखने का मतलब हुआ पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, अगर कोई गलती से छूट गया होगा तो पहला अक्षर बड़ा हो गया। और मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट मैं सन सेरिफ रख लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली सन सेरिफ। देखो ये जो फॉन्ट है, अगर तुमको ये इस तरह का कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए तो उसके लिए गूगल फॉन्ट को सर्च करोगे, क्या करोगे, गूगल फॉन्ट। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ सीखना है होता है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे बड़ा इंटरनेट पे ध्यान देते हैं, दिक्कत यही है। देखो यहाँ पे रोबोटो जैसे मान लो एक फॉन्ट है, इसको यूज़ करना चाहते हैं, बस सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये है फॉन्ट, ठीक है। इसको चूज़ करना चाहते हो, गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। गेट फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करेंगे। गेट एम्बेडेड कोड में तुमको यहाँ लिंक मिलेगा, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम जैसे CSS लिंक करते हैं वैसे ये लिंक कर लेंगे। तुम नोटिस करो लंबा चौड़ा कोड है, बट ये ही लिंक हुआ, देखो लिंक हो गया। और जहाँ फॉन्ट फैमिली लिखने की बात आएगी, वहाँ फॉन्ट फैमिली में क्या लिखेंगे, रोबोटो और सेंस सेरिफ, ठीक है। मतलब ये रोबोटो कॉमा सेंस सेरिफ लगा देंगे। तो जैसे मान लो यहाँ सेंस सेरिफ लगा हुआ, तो उसके आगे क्या लगेगा, रोबोटो कॉमा सेंसिटिव। इससे क्या होगा, मेरा पूरा प्रोजेक्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो नोटिस करना मेरा डिज़ाइन में फॉन्ट चेंज हो चुका है, काफ़ी बेहतर दिख रहा है पहले से। तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकते हैं।
इसके बाद जो गैप है वो ज़्यादा होगा, यानी ये जो 10 दिए हैं उसको 20 करेंगे, 30 करेंगे, जितना फैलाना फैलाएंगे, 40 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो ऊपर नीचे का फॉन्ट ये है ये वाला 35 करके देखेंगे, ताकि हमको थोड़ा और फैला हुआ जगह मिले, जैसा कि वहाँ पे भी है, और ये डाउनलोड बटन पे काम करना है। तो डाउनलोड ये वाला है, इसमें हम लोग डाउनलोड के अंदर जो 8 टैग है उस पर काम कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर एकदम सेम कलर चाहिए, फॉन्ट सेम फॉन्ट कलर चाहिए, ये जो बैकग्राउंड कलर सेम चाहिए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद आप यहाँ आने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा ए टैग मिलेगा, उसके ऊपर जब सी से देखेंगे आप तो उसमें कलर मिल जाएगा आपको, ये देखिए बैकग्राउंड कलर मिल गया। ये कलर का कोड है, आपको याद रखना चाहिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो बैकग्राउंड कलर हो गया, और जब इसको होवर करेंगे BTN ए टैग जब होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, राइट। और जब बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो टेक्स्ट कलर ऑब्वियसली उसका उल्टा होना चाहिए, वाइट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, ये भी तो ए टैग है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, नन कर देंगे। और कलर क्या करेंगे तो ब्लैक कर देंगे। पैडिंग क्या करेंगे तो पैडिंग थोड़ा लगाएंगे 20 पिक्सल और 15 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 10% तो लगाएंगे ही, नहीं 10% से काम ना होगी, 30%, 50, नहीं देख लेते कैसा है वो, अच्छा थोड़ा सा ये चौड़ा भी है, तो इसका जो एक्स वाई है ना इसको बढ़ा देंगे 35, ये और मेरा वाला, ये बॉर्डर रेडियस से घुड़ाना मत क्योंकि इसको हमको पिक्सल में लिखना है 20 पिक्सल। अब ये ऊपर नीचे का जो पैडिंग है इसको थोड़ा कम करेंगे, 15-10 कर सकते हैं, जैसे ये चौड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो ठीक नहीं लग रहा, 30, अब देखो कैसा लग रहा है, ठीक है परफेक्ट। तो ये मेरा टच करने पे जो होवर हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे भी हो रहा है। ट्रांसिएशन लगाते हैं, ट्रांसिएशन हम सब जानते हैं कि स्लो करता है, ट्रांसिएशन डैश प्रॉपर्टी ऑल, ट्रांसिएशन डैश ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कम से कम 2 सेकेंड थोड़ा स्लो, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे ट्रांसिएशन डैश टाइमिंग डैश फंक्शन, और इसके ट्यूब वगैरह जो भी बहुत बहुत तरह के ऑप्शन है इसके पास, जो आप टच करेंगे तो वो बच गए, ये हटा दो इसका कोई काम नहीं, देखो ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया ज़्यादा, इतना भी नहीं, 0.2 सेकेंड, तो थोड़ा फास्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा हेडर का पट्टी जो है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने बना रखा है, ठीक है। तो अगर तुमको पेंडिंग हेडर में ज़्यादा लग रहा है तो तुम यहाँ से कम कर सकते हो, 30 कर सकते हो, इसकी चौड़ीकरण थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में इसके जैसा, अब इसमें टच करने में देखो ये ऐसे करके अंडरलाइन दे रहा है, तो ऐसे अंडरलाइन जा रहा है, ये हम आपको बता देंगे, बट इससे पहले आप ये देख लीजिए कि ए टैग पे ओवर कैसे करते हैं। तो लिंक के ऊपर करना है, किसका करना है, लिंक, क्या लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसको जब ओवर करें, ओवर करें तो उसमें बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर डैश बॉटम कहाँ लगाओ, बॉटम में लगाओ, उसमें कितना पिक्सल का लगाओ, तो 2 पिक्सल का नहीं 4 पिक्सल का सॉलिड। और कलर कौन सा होगा, ऑब्वियसली वही होगा ग्रीन जो थीम कलर है इसका। तो जब मैं इसको टच करूँगा दिख रहा है, बट तुमको थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा, तो इसकी वजह है, हिलता हुआ दिखने की वजह है कि हम बॉर्डर लगाया तो एक्स्ट्रा जगह लेता है, तो वो ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसको आउटलाइन से ट्राई करो पहले, आउटलाइन में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अच्छा सॉरी आउटलाइन में, आउटलाइन आउटलाइन काम नहीं निकल गया ऐसे। ए टैग में यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसे ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अभी भी हिल रहा है, राइट। तो क्या करना है, बॉर्डर पहले से ही रख लेना, बॉर्डर विथ 4 पिक्सल डिस्कस कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले से विथ रहेगा बट वो नहीं काम नहीं, बॉर्डर सॉलिड और ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है, मतलब कलर देंगे नहीं, है बॉर्डर अभी भी बट दिख नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो जब अब रखेंगे तो मूवमेंट नहीं कर रहा, देखो मतलब वो धड़कन की तरह जो हिल रहा था वो नहीं हो रहा है, और बहुत अच्छा दिख रहा है पहले से, ठीक है। अब वो ऐसे एनिमेशन हो जाए उसके लिए बाद में जावास्क्रिप्ट से हम अच्छे समझाएंगे, बट यहाँ पे सीएसएस से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीएसएस नहीं कर सकते, बट हम कुछ में कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ तक बता बनवा लीजिए, आप जो चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए, आप अक्सर ना भटक जाएंगे, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा। तो फिर नॉर्मल बैनर नाम का एक डिप बना लेते हैं नीचे वाला के लिए, और इसके अंदर में हम बैकग्राउंड के तौर पर इसके अंदर कॉन्टेंट नाम का एक तो
कंटेंट नाम का बॉक्स बना देते हैं। बैनर के अंदर क्या बनाया, कंटेंट। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं डॉट बैनर फ्लिक्स वन यानी 100%। हाइट क्या देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम 500 के आसपास दे देते हैं, 500 पिक्सल, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अंदर में बैनर के अंदर में कॉन्टेंट, और इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लगाने से झंझट ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो बैकग्राउंड में रहेगा तो ऊपर में डेटा लाना या कॉन्टेंट लाना बड़ा आसान काम हो जाएगा। यू आर एल और यहाँ पर आपको डालना है /images/banner जो कि मेरा पाथ है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको पहले देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है कंटेंट का विड्थ डिस्कस नहीं किए हैं विथ 100% और हाइट डिस्कस नहीं किया। तो हम हाइट डिस्कस नहीं भी करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स और लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक और बात लिखेंगे अलाइन आइटम स्ट्रेच, यानी अंदर का जो चाइल्ड होगा वो खींच खाच के बराबर हो जाएगा। देखिए अब ये एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा गैप, उसके लिए घबराइएगा मत, हमारा आपको सारी चीज़ दिखाएंगे। 500 में काम नहीं निकलेगा तो 600 करके देखते हैं, हाइट ज़्यादा कर, ठीक है। यहाँ पे देख लो हाइट कहाँ तक है, ये स्क्रॉल काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो यानी हाइट और भी है, तो 800 पिक्सल और बढ़ा दिए, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर आपको रिपीट नज़र आ रहा है, रिपीट नज़र आ रहा है तो घबराइएगा मत। तो पहले तो ये गोल रेडियस करना है, पेजिंग डालना है, ये सब करना है। तो मेरा जो एग्जैक्ट है बैनर नाम का, उसके अंदर कंटेंट में ना काम किया, तो बैनर में तो हम पेजिंग दे ही सकते हैं। तो पेजिंग देने से पहले इसका विथ अगर हम कुछ कम कर दें, यानी जैसे यहाँ पे विथ लगाएं, नहीं इसका विथ नहीं कम करेंगे, इसका 100% है ना, इसको 80% कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, 20% कम हो गया, तो बीच में आ रहा है, बट हमको इतना नहीं कम करना, ज़्यादा हो गया। 90 करेंगे तो 5 बार दोनों साइड से छूटेगा, नहीं और थोड़ा सा देते हैं, 95 देंगे तो 2.5 दोनों साइड से छूटेगा, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस जब हम सिखा रहे होते हैं तो उस पर फोकस ही नहीं होता, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, तो फिर बाद में पूछिएगा कि हुआ कैसे। 30 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड डैश साइज इसी जगह पर, और लगाएंगे कवर, इससे क्या हुआ बैकग्राउंड साइज कवर हो गया। अब देखो स्क्रॉल में डुप्लीकेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो अब एकदम अच्छा से स्क्रॉल भी कर रहा है और जगह पे भी आ गया, राइट। तो हम लोग इसको पॉसिबल कर पाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा इधर घसक के आ रहे हैं, तो पोजीशन से सॉल्व कर सकते हैं। बैकग्राउंड डैश पोजीशन सेंटर, सेंटर का मतलब ये हुआ कि हमको दोनों साइड से काट के दो, तो ये इमेज अब ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ था तो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए नहीं पता, थोड़ा इसको टाइम दे के समझना पड़ेगा। दूसरा पार्ट सुनो, ये मैसेज है एक बॉक्स, इसको डिवाइड कर दो, ऐसे लाइन खींच दो, इधर टेक्स्ट है और इधर फोटोज है, तो तुम इसके अंदर में बैनर के कंटेनर के अंदर में दो, एक टेक्स्ट नाम से और एक इमेजेस नाम से, दो डब्बा बना लो। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे जो कि जैसे कि टेक्स्ट है मैसेज प्राइवेटली, ये H1 या H2 में डाल सकते हैं। और दूसरा पार्ट है ये पैराग्राफ, इसको इसके अंदर डाल देते हैं P के टैग में। और तीसरी चीज़ है जो आखिरी डाउनलोड, तो ये डाउनलोड और वो डाउनलोड एक जैसा लग रहा है देखने में, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों CSS काम करें। तो इसके लिए हम नीचे आते हैं यहाँ पे P टैग में, देखो A टैग बनाते हैं, A टैग बनाने के बाद हम इसका नाम BTN रख लेते हैं, BTN, ठीक है। ये एक डब्बा बनाएंगे BTN नाम से, उसके अंदर रखेंगे .BTN, उसके अंदर A टैग, ठीक है, और डाउनलोड लिख देंगे। तो इसका क्या होगा, दोनों का पाथ सेम हो गया, बटन के अंदर A टैग और ये देखो हेडर के अंदर भी बनाए थे, बटन के अंदर A टैग, इससे क्या हुआ दोनों का CSS सेम आ गया, यानी मुझे बिना डिजाइन किए ये वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। तो दोनों को सेम यूज कर लिया एक साथ जैसा, अब थोड़ा डिजाइन देना है, बाकी काम खत्म करना है। इसके बाद इमेजेस वाला पार्ट है, तो वहाँ इमेजेस हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं छोटे छोटे, जैसे ये देखो गुड मॉर्निंग मॉम, उसमें दिल का ये आइकन, ये कॉफी कप वाला, फिर इसके बाद ये वॉइस नोट है, ये फोटो है, फोटो के बाद यहाँ पे देखो कोना में ये सब है। तो हम लोग ये सबको करना है, करके दिखाएंगे, बट हम आपको पहले ये दिखाएंगे, ठीक है। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो बैनर अपने आप में, कंटेनर अपने आप में पैडिंग देगा, अंदर से पैडिंग देगा, कितना पैडिंग देगा दोनों साइड से, तो हम कह रहे हैं कि देखो ऊपर नीचे से हमको 20 पिक्सल चाहिए और दाएं बाएं से हमको 10% चाहिए, ठीक है।
तो पैकिंग देने का मतलब ये हुआ कि वो चिपक के आ रहा था, इधर नहीं आ रहा है, देखो ऊपर से आ रहा है, तो हमको यहाँ पे लाना है बीच में, एग्जैक्टली सेंटर में लाना है, या शुरुआत ही यहाँ से करना था, इतना गैप हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक गैप चाहिए। तो मार्जिन टॉप जो हम पैकिंग लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये एक साइड लेफ्ट से काम करे 10%, ठीक है, अलग अलग पैकिंग, टॉप से काम करे कम से कम 200 पिक्सल। तो देखो घसक के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ गया, तो यहाँ तक आ गया, तो हम लोग नीचे भी ला देंगे, कोई इशू नहीं। अब जो टेक्स्ट नाम का बॉक्स है इसके ऊपर सीसेस करना है, लिखेंगे डॉट कंटेंट के अंदर जो टेक्स्ट है, और उसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, और उसके बाद लिखेंगे गैप जो हमको देना है 20 पिक्सल मान लो गैप, ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं। और ये फ्लिक्स कॉलम करना होगा, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये आपको यहाँ तक लिखा हुआ रहा है, बट हमको इतने छोटा सा में दिखाना है, ठीक है। तो हम पहली चीज़ ये कि मैसेज और प्राइवेसी दोनों लिखा हुआ है उसको थोड़ा छोटा करेंगे, उससे पहले टेक्स्ट का मैक्सिमम विड्थ डिसाइड कर लेंगे, यानी इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम मान लो 250 पिक्सल डिसाइड कर लिया है एग्जाम्पल के लिए, देखो ठीक है, ये छोटा सा हो गया, बट हमको टेक्स्ट काफ़ी बड़ा चाहिए, ये वाला खास करके, ये वाला, तो ये इसके बालों तक आना चाहिए यहाँ तक। तो बैकग्राउंड कल टेक्स्ट के अंदर में, देखो टेक्स्ट के अंदर में जो H1 टैग है उसको टारगेट किया, कलर वाइट किया, उसके बाद फॉन्ट साइज लगाया और 100 पिक्सल लगा दिया मान लो, चेक करने के लिए, देखो काफ़ी बड़ा आ गया। अब इसका फॉन्ट फैमिली फॉन्ट वेट लगाकर 100 कर दिया, यानी पतला कर दिया, बहुत पतला हो गया, 300, 400, ठीक है, रहेगा पूरा वाइट नहीं है ये, थोड़ा सा साइज में भी थोड़ा छोटा है, मेरा थोड़ा साइज बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ 100 लिखा था उसको 80 करके लिखे जाता, ये ओरिजिनल वाला और ये मेरा वाला, ठीक है, लगभग सेम हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ, तो मैंने पैराग्राफ के ऊपर भी एक काम कर लेना, टेक्स्ट के अंदर जो पी टैग है, तो सबसे पहले किया है कलर चेंज कर लेना वाइट, फॉन्ट साइज क्या होगा तो मान लो 34 पिक्सल या 32 पिक्सल चेक करो, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा साइज हो गया, मुझे इससे छोटा चाहिए, तो 34 की जगह पे 22 करो, ये ओरिजिनल और ये मेरा वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और कमी है, फॉन्ट साइज और छोटा 20, ओह ओरिजिनल क्यों दिख रहा है, और 18, 16 ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा छोटा हो रहा है, विथ कम पड़ गया, ये जो 250 दिए थे ना इसको 300 कर लो। अब ठीक है, पहुंच गए जगह पे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि जो बटन है ये वाला, इसके अलावा यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट BTN नाम रख लेते हैं, मतलब ये तो लागू हो ही रहा, इसके अलावा हम एक और क्लास लगा दिया स्पेस देके, जिसको अलग से CSS करना पॉसिबल हो जाएगा, और हम मार्जिन टॉप लगा देंगे इसमें, मार्जिन टॉप हम 50 पिक्सल से ज़्यादा लगाएंगे ताकि ये थोड़ा अलग आए, हमें अलग चाहिए था, ये देखो ये मेरा वाला है और ये ओरिजिनल वाला है, तो ये काफ़ी अलग दिख रहा है, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट, यहाँ पे मैसेज दिखाने का तरीका हो गया, आगे का काम है इधर का इमोजीज लगाना, तो थोड़ा सा ये मेरा पेजिंग जो था यहाँ पे ख़त्म हो गया, बॉर्डर में जो मैंने कंटेंट लगाया था वो कहाँ गया, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेफ्ट साइड से पेजिंग दो ये लिखा, लेकिन राइट साइड से पेजिंग दो ऐसा नहीं लिखा, लेफ्ट साइड से पेजिंग पेजिंग नहीं चाहिए था एक्चुअली में, मार्जिन पेजिंग ठीक है, मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पेडिंग दूंगा तो काम हो जाएगा, पेडिंग सभी साइड से 20 ऊपर से 20 दाएं बाएं से, देखें हाँ ठीक है, यही चाहिए, हो गया। थोड़ा सा और चाहिए क्या यहाँ पे, थोड़ा और चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब सब बराबर रहेगा तो 30 40 डायरेक्ट लिखो, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे से थोड़ा कम चाहिए, राइट, अब 30 करो, अब 40 करो, ठीक है, बढ़िया, तो देखने में अब काफ़ी ठीक लग रहा है। और ये जो हाइट है यहाँ पे ये मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो अब हमको ये वाला फोटोज लगाना है, ये सब फोटो, तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सेव, ये पहला फोटो है, ठीक है, तो इसका नाम IMG1 रख, नाम रख लेते हैं, कितना याद रखेंगे, ये दूसरा हार्ट वाला शेप है इसको IMG2 नाम से सेव कर लेते हैं, मतलब सीक्वेंस में ले रहे हैं इसलिए सीक्वेंस में नाम रख रहे हैं, समझ रहे मेरी बात, ये सेव IMG3, ये वाला IMG4, ये वाला
और ये वाला IMG6 लास्ट। तो मेरे छोटे छोटे करके बहुत सारे इमेजेस हैं, लेकिन सब एक दूसरे के नीचे हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज में। तो आपको ना फ्लिक्स कॉलम का पैटर्न ये अपनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इमेजेस में और यहाँ पे IMG का टैग लगाता हूँ। कितने सारे? तो हम 6 लगाते हैं, क्या बोलते हो? कितने? 6। सब में SRC अलग अलग होगा वो ऑफकोर्स। हम 1 मिनट, चलो ठीक है, आराम आराम से करते हैं। देखो तो पहला इमेज का नाम है इमेजेस फोल्डर के अंदर IMG1। इतना डुप्लीकेट करके फायदा ही नहीं हुआ, कंट्रोल डी करेंगे तो काम हो जाता। 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लगाने से थोड़ी कुछ कुछ हो जाएगा, देखो सब फोटो आ रहा है, बट कोई बात नहीं। ऐसे हुआ तो क्या हुआ, इसका जो पेरेंट है, टेक्स्ट एक चाइल्ड है, इमेजेस दूसरा चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है? कंटेंट है। इसमें डिस्प्ले फ्लिक्स की जरूरत है, तो मैं डिस्प्ले फ्लिक्स लगा लेता हूँ। देखो आपस में बगल में आ रहा है सब, लेकिन इमेजेस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो इमेजेस डॉट इमेजेस एस, उसका मैक्सिमम विथ डिसाइड कर लेते हैं, मान लो 30% एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसी के इलाके में आएगा। 30% में ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हमको इधर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना है, इसमें लिखना है यहाँ पर जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन। तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे दो इमेज हो गया सेम सेम, का है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या गलत हो रहा है? एक ही इमेज दो बार स्टोर हो गया, ये वाला गायब हो गया। नहीं कोई बात नहीं, वापस जाते हैं सेव। तो इसका नाम इमेज 1 है, वो तो ठीक ही था ना। इमेज 2 दोबारा गया, कोई बात नहीं, मैं इसका सीक्वेंस सही कर देता हूँ। इसका नाम 2 रख लेता हूँ और अब जो डालूंगा वो 1 होगा शायद। अब ठीक हो गया, नहीं हार्ट वाला शेप अब दो बार हो गया। ये सही से सेव नहीं हो रहा है, कौन सा इमेज सेव हो रहा है ये ध्यान नहीं जा रहा। ये इमेज 1 के साथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं इसका। अब देखो हाँ ठीक, तो अब मेरे पास सारे इमेज सही है, ठीक है। तो बेसिकली हर इमेज अपना साइज को बहुत ज़्यादा रेफरेंस लिए हुआ, इसलिए साइज में बड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो विथ है इसके बारे में अलग अलग कहूँगा, अलग अलग बताऊंगा कि सबके इमेजेस का साइज क्या होगा, सब कहाँ पे फिट होगा, वो सब देखेंगे, ठीक है। बट ये देखो अभी इमेज बड़ा होने की वजह से ऐसे आ रहा है, इससे घबराना नहीं है, तो समझना है कि क्या मामला है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट इमेज में, तो इसका नाम रख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सबका क्लास का नाम देते जाते हैं IMG1 और जस्ट उसके नीचे IMG2। ये सब नाम से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं CSS में, राइट। तो 1 और 2 डॉट इमेजेस के अंदर में IMG1, ठीक है। पहले IMG1 टारगेट हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से पहले हम तो ये कर ही देते हैं सब में, ताकि डॉट हटा देते हैं, ये सब का विथ से बाहर नहीं जाएगा। देखो एरिया फिट हो गया। अब उनको क्या करना है, ज़्यादा कुछ थोड़ी है, बस इसको इसके साथ हटा देना है, इसको इसके साथ हटा देना है, बाकी अपनी जगह पे सब इमेज सही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें जैसे IMG2 है, इसको मैं कहूँगा देखो IMG2 तुम थोड़ा सा नादान हो, बच्चे हो अभी, मार्जिन टॉप में ऊपर जाओ 20 पिक्सल लेकर। तो ये ऊपर की तरफ माइनस में जाना है, तो नेगेटिव वैल्यू देखो चला गया ऊपर, थोड़ा सा और कर देते 25, ठीक है, पहुंचा दिया वहां तक। इसी तरीके से मैं ये स्माइली यानी IMG6 के साथ भी सेम करूंगा, तो मैं इसका नाम भी क्लास में IMG2 कर देता हूँ, तो इससे CSS सेम होगा, हो गया, दो डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जो मुझे इधर शिफ्ट मिल रहा है इसको थोड़ा घसकाना है, इधर लाना है, तो मैं इसका मैक्सिमम साइज तो समझ गया, इसमें स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड करता हूँ, आधा आधा जो मार्जिन है वो उस साइड चला जाएगा, देखो ठीक है। लेकिन बीच में जो गैप है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा इधर चिपक गया, थोड़ा पैडिंग शायद ज़्यादा मिल रहा। तो कंटेंट 95%, मार्जिन इधर 10%, पहले 5 करके देखते हैं, ठीक है। और ये कंटेंट है ये 80 है, और ये जो
30% मैंने दिया था वो है। एक काम करता हूँ, ये जो स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन लगाया था ये हटा देता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ सेंटर, तो दोनों आपस में बीच में आ जाएगा। यस, अब बीच का गैप कंसिडर कर देता हूँ, गैप लगाता हूँ इससे, गैप से कितना परसेंट वो बता देता हूँ, ठीक है। और गैप देना है 20 30, चलेगा? इतनी था, ज्यादा हो गया, 20 20%, थोड़ा सा और अरेंज। देखो इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर ही लेते हैं। थोड़ा गैप सेंटर भी हटाओ, जस्टिफाई स्टार्ट बिटवीन एंड रहने दो, पैडिंग को पैडिंग से काम निकालते हैं। कंटेंट में जो टेक्स्ट है उसका कहते हैं तुम भैया मार्जिन लेफ्ट साइड से 20% डालो, बस के का इधर 20% ज़्यादा हो गया, 15% 10% डालो, ठीक है, 9% 8%, मुझे उसको वहाँ पे लाना है जहाँ पे है, 5%, सही है, ये अपनी जगह टेक्स्ट अपनी जगह आ गया। अब मुझे इसका इमेज में मार्जिन लेफ्ट साइड से 20% डालो, ठीक है, आ गया। इसका जो विथ है इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, 30% है, 30% है, 40 करते हैं, इससे इमेज सब साइज में बड़ा होगा। और ऊपर से मार्जिन टॉप जो लगाए थे हम, ये बॉक्स बिगिन मार्जिन टॉप कहीं लगाए थे हम, दिखाते हैं, मार्जिन टॉप कंटेंट में ही लगा दिए सर, हाँ ये पेडिंग टॉप, ये यहाँ नहीं लगाना है, ये सिर्फ टेक्स्ट में पहले लगाएंगे हम, हमको टेक्स्ट में सिर्फ मार्जिन चाहिए, इमेज में मार्जिन नहीं चाहिए। इमेज में जो मार्जिन चाहिए इमेज में डिस्कस करेंगे, इमेज को खास करके अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें कितना मार्जिन चाहिए। देखो इसमें 100 कर देते हैं, पहले 100 करते हैं, देखते हैं जरूरत कितनी, ठीक है, परफेक्ट हो गया ना। आगे जगह पे ये ओरिजिनल देख लो, ठीक है, और ये मेरा वाला देख लो, इसमें अगर विथ तुमको ज्यादा लग रहा है तो 30 जो 40 मैंने दिया उसको 35 कर दो, परफेक्ट 100%, देखो ठीक है। अब ये जो इमेज है थोड़ा सा मेरे इधर की तरफ है, तुम चाहो तो और मार्जिन देके उधर घसका सकते हो, कोई इशू नहीं, उतना मार्जिन से हो जाएगा। देखो ये जो मार्जिन लेफ्ट साइड से 20% लिखा हुआ है इसको 25 कर दो और घसक जाएगा इधर। अब देखो अब मैच कर रहा है, ठीक है, तो हो गया है, इसके इमेज के ऊपर कवर के ऊपर जो काम करना है वो कर दिया। मुझे तो कभी कभी हाइट भी लगता है ज़्यादा दे दिया मैंने, 800 जो दिया है ना, थोड़ा सा शार्पली ज़्यादा लग रहा है, 800 की जगह पे 700, यही ठीक है, बहुत बढ़िया, तो काम हो गया अपना। अब इसके बाद ये वाला है फोटो, ये पूरा का पूरा एक ही फोटो है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा का पूरा एक ही फोटो, आप उसे देख के परेशान नहीं हो जाइए, यहाँ 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे पहुँचिए सोर्स में, और यहाँ पे आइए सी कॉन्टेंट एस कॉन्टेंट में वर्जन में, और ये सारा इमेजेस है, देखो ये देखो पूरा एक ही फोटो है, इसे डाउनलोड कर लो, राइट क्लिक ओपन ए न्यू टैब, ये देखो फोटो उठाया और इसको नाम दे देते हैं टॉक, टॉक ही तो लग रहा है, हो गया, नाम दे दिया टॉक। अब ये बैनर के बाद लगा देना, बैनर यहाँ है, उसके अंदर में लिखते हैं कार्ड, ठीक है, अब कार्ड को सी एस एस दे देते हैं, सीधा सीधा सी एस एस में मजा आएगा, डॉट कार्ड क्या लिखें, फ्लिक्स वन, हाइट 100 पिक्सल, फिलहाल बाद में चेंज करेंगे, 100 पिक्सल, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL, और इस जगह पे हम डालेंगे इमेज फोल्डर के अंदर टॉप, हो गया। तो इसके बाद जो हम अपना आउटपुट देखेंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पे इमेज आ रहा है बट फिट नहीं है, राइट, तो इमेज का साइज काफी बड़ा है इसलिए फिट नहीं है, तो ये बैकग्राउंड का साइज कवर, देखो अब इसका जो हाइट दिए थे 100 बहुत इनफ नहीं है सब कुछ को दिखाने के लिए, इसको तुरंत डबल करते हैं 200, ठीक है, थोड़ी पैडिंग की जरूरत है इधर इधर से, वो काम हो जाएगा, पैडिंग 30 पिक्सल कंप्लीट, यही तो है इसमें ओरिजिनल में। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे मेरा चिपक रहा है, इसमें भी चिपक रहा है इसका, और इसका नहीं चिपक रहा है, इसमें थोड़ा पैडिंग है, बस हो गया और कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। तो हम पैडिंग को कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना है, तो कार्ड के अंदर
कार्ड बॉडी करके बना देते हैं, और जो सीएसएस है कार्ड का वो अलग रखेंगे और कार्ड बॉडी का सीएसएस अलग रखेंगे, और जो इमेज बैकग्राउंड हेडर दिया है और ये सब पैडिंग वेडिंग जो दिया है ये यही रहेगा, बट हमको ये वाला पार्ट को कॉपी कर लेना है, ये यहाँ से हटा दिया और यहाँ लगा दिया, जैसे क्या हुआ पैडिंग के इलाके को छोड़ देगा, देखो घसक किधर आ गया, तो ये इलाका छोड़ दिया उसने, हो गया। और इसमें जो है हाइट की कमी थोड़ी सी पड़ गई, तो मैं 200 की जगह 250 50 पिक्सल और बढ़ा दिया, देखो मेरा वाला, इसमें ये बंदा आ गया, ये बंदा छुप रहा था, ठीक है। तो बेसिकली काम हो गया। अब इसके बाद ये टेक्स्ट है ये दिखाना है, इसके नीचे फिर से ये वाला इमेज है ये दिखाना है, तो टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कार्ड बॉडी जो लिखा हुआ है उसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ का इस्तेमाल करके डाल सकते हो या तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम तो समझते हैं कि पैराग्राफ का टैग रख दो। अब ये टेक्स्ट कार्ड के ऊपर काम कर लो, टेक्स्ट कार्ड क्या लिखना है, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लिक्स जस्टिफ अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सब सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब सेंटर ही सेंटर, कलर क्या चीज का, टेक्स्ट का, टेक्स्ट के अंदर कलर डालने के लिए पी टैग को टारगेट करेंगे, और कलर क्या है ब्लैक और कुछ है फॉन्ट, तो बाय डिफॉल्ट मेरा रोबोट तो चल रहा है। फॉन्ट साइज बढ़ाना है वो हम समझ गए, ये देखो फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ जाएगा, नहीं वाइट था कहाँ, ब्लैक है, इतना तो जिंदगी में दिक्कत नहीं है। फॉन्ट साइज कितना दे, 50 पिक्सल डाल के देखें तो बड़ा हो जाएगा, ओ वाओ। इसका विथ डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमम विथ 50% स्क्रीन का आधा, ठीक है। और इसके पेरेंट के पास जाके बोलते हैं कि तुम सेंटर कर देना अलाइन आइटम सेंटर, ये वाला पेरेंट के पास, ये पेरेंट के पास, और टेक्स्ट अलाइन नहीं रहेगा ये डाल, तभी बीच में आने का चांस होना चाहिए। इसका फ्लिक्स वन डालो, फ्लिक्स वन, ताकि बीच में कैलकुलेट कर पाए, बीच में कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, 50% कार्ड, अच्छा कार्ड बॉडी नहीं गलत जगह डाल दी, ये डिस्प्ले फ्लिक्स से लेकर लेकिन गड़बड़ क्या कर दी पता है, कार्ड बॉडी में हम लोग जो जो काम किए थे वो हटाना, ये हाइट वाइट हटाना होगा, चलो हो गया, आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़, अरे इमेज कहाँ गया, अच्छा फ्लिक्स वन, ठीक है। तो कार्ड इसका पेरेंट है बट कार्ड बॉडी और कार्ड को एक दूसरे के नीचे लेके जाएगा, यानी फ्लिक डायरेक्शन कॉलम, ये क्या हुआ, इसका हाइट यहाँ पे बहुत छोटा है, इसको ऑटो कर दो, यानी भैया तुम्हारी हाउट हाइट इतना छोटा होगा तो हो गया, किधर गया इमेज मेरा, विथ 100% ट्राई करते हैं, अच्छा चलो टाइम बहुत लंबा हो गया है, कल इसको बना लेंगे, मैं अभी थोड़ा बैक कर देता हूँ, ठीक है। कार्ड टेक्स्ट का काम अभी नहीं करते हैं, बाकी बॉडी तक का काम हुआ हुआ है तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। देखो मैंने कार्ड स्पेशली कार्ड का वर्क को हटा दिया और यहाँ पे भी इस वाले सेक्शन को भी फिलहाल हटा देते हैं या छोड़ दो, तो लोग इसको डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।